देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन दिया गया है, आई वन इंटीग्रेशन है 0 to π/2 cos x, ठीक है। आई टू इंटीग्रेशन है 0 to π/2 cos ऑफ sin x, और आई थ्री इंटीग्रेशन है 0 to π/2 sin ऑफ cos x dx, ठीक है। आई वन आई टू आई थ्री हमारे पास, देखो ये तीन इंटीग्रेशन है, एक है cos x, एक है cos of sin x, cos x into sin x नहीं, ध्यान रखना, क्या है बोलो, ये cos of sin x है ना, cos x into sin x नहीं है, cos of sin x। इसी प्रकार देखो ये sin of cos x, sin x into cos x नहीं, देखो ये और ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग है, ये cos x into sin x, ये क्या है, cos of sin x, मतलब cos का एंगल ही sin है ना, तो ये cos of sin x है और ये क्या है बोलो, sin of cos x, तीन इंटीग्रेशन है, तीनों को कंपेयर करना है फिर से, है ना, इन तीनों इंटीग्रेशन को फिर से हमें कंपेयर करना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम इन तीनों फंक्शन को कंपेयर करेंगे, देखो तीन फंक्शन है, क्या क्या बोलो, cos x, cos sin x और sin cos x। देखो मैंने आपको बताया था फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर x 0 और पाई बाय 2 के बीच में होता है तो tan x x से बड़ा होता है और x sin x से बड़ा होता है, ये मैंने आपको फंक्शन में बताया होगा, और नहीं बताया तो इसको याद रखो, बताया होगा मतलब अगर आप भूल गए तो इसको याद रखो, मैंने तो बताया, ये कंफर्म है, अगर आप भूल गए तो इसको याद रखो, है ना। देखो कैसे क्या होता है, अगर हम tan का ग्राफ बनाएं तो वो सबसे ऊपर जाता है, फिर y बराबर x लाइन का ग्राफ उसके नीचे जाता है, फिर sin x का ग्राफ उसके नीचे जाता है, 0 से पाई बाई 2 के नीचे इधर निकलेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। देखो नेगेटिव साइड में क्या होगा, नेगेटिव साइड में sin ऊपर होगा, फिर x होगा, फिर tan x होगा, इसलिए ये इनइक्वालिटी जो है वो 0 पाई बाई 2 के बीच में है, है ना, ये 0 ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर tan चला जाता है इनफिनिटी, क्योंकि इसके आगे आएंगे तो फिर देखो tan नीचे आ जाएगा, फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये जो इनइक्वालिटी है ये 0 पाई बाई 2 के बीच में है बस, है ना, मतलब देखो tan x सबसे बड़ा, उसके नीचे x लाइन, मतलब ये ग्राफ है किसका बोलो, y बराबर tan x का, ये ग्राफ है y बराबर x का, और ये ग्राफ किसका है, y बराबर sin x का, तो tan x greater than x greater than sin x, ध्यान, है ना, तीन बातें। देखो जैसे हमारे पास ये है कि भाई x sin x से बड़ा है, है ना, तो अगर हम x को cos x के बराबर मान लें, क्योंकि देखो x 0 pi by 2 के बीच में है, अगर x 0 pi by 2 के बीच में है तो cos x भी 0 1 के बीच में होगा, तो हमने x की जगह cos x दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया cos x greater than sin cos x। देखो x बराबर cos x रख दिया इसमें, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज जो 0 पाई बाई 2 के बीच में है x की जगह रख सकते हैं, क्योंकि अगर x 0 पाई बाई 2 के बीच में तो ये इनइक्वालिटी है x greater than sin x, तो हमने x की प्लेस पर cos x रख दिया, है ना। देखो क्या हुआ, cos x greater than sin of cos x, ठीक है, तो ये बात कंफर्म है कि cos x जो है वो sin of cos x से greater है, ठीक, मतलब cos x sin of cos x से greater है, यहां से कंफर्म हो गया, हम ध्यान दो x की जगह पर हम कोई भी वो चीज रख सकते हैं जो 0 pi by 2 के बीच में है, तो cos भी 0 pi by 2 के बीच में होगा, क्योंकि cos हमेशा 0 1 के बीच में होगा, है ना, अगर हम x को 0 से pi by 2 ले रहे हैं तो cos क्या होगा, 0 1 के बीच में होगा, इसलिए रख सकते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान दो, cos x greater than हो गया sin of cos x, ठीक है। देखो अब जैसे हमको मालूम है x sin x से बड़ा होता है, अगर हम दोनों में
कॉस ऑपरेट कर दें तो ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। देखो तो इधर भी कॉस लगा दिया, इधर भी कॉस लगा दिया, तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जीरो पाई बाई टू के बीच में। देखो अगर हम कॉस का ग्राफ देखेंगे तो कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, ये देखो जीरो से पाई बाई टू के बीच में क्या हो रहा है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखो ये इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। तो मतलब इन दोनों में ये इससे बड़ा हो गया, तो मतलब अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा है और कॉस एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स से बड़ा है ना? तो ये इनका एक ऑर्डर आ गया, सही ऑर्डर, कॉस ऑफ साइन एक्स देखो कॉस एक्स से बड़ा है और कॉस एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स से बड़ा है, ये इनका ऑर्डर आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर हम इन तीनों को जीरो से पाई बाई टू के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, देखो ये क्या आ गया I2, ये क्या आ गया I1 और ये क्या आ गया I3, तो ये इनका देखो ऑर्डर आ गया। ठीक, I2 greater than I1 greater than I3, तो वो ये इनका सही ऑर्डर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है काफी, मतलब इसका फंक्शन से काफी कनेक्शन है। ठीक है, तो लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।